हम गुलाम सोल टाउन में मौजूद हैं। जैसा कि आपके सामने मौजूद है कि ये पानी, गंदा पानी खड़ा हुआ है, गटरों की ओवर निकल रहा है बाहर, तो इसके मतलब कारी साहब से हम पूछते हैं कि क्या मसला है। ये पानी आज से नहीं है, ये तकरीबन 5-6 साल होने लगे हैं इस पानी को। जो भी पॉलिटिशियन है आते हैं, देखते हैं, उनके सामने मसाइल बयान किए कि ये पानी है, इसकी वजह से गंदगी हो रही है, मोहल्ले में बड़ी बीमारियां फैल रही हैं जी, और वो कहते हैं जी हाँ कर देंगे। उसके बाद तो 5 साल उनका पता ही नहीं लगता कहाँ गए। जी जी, 5 साल तो नजर ही नहीं आते, दिखाई नहीं देते, दिखाई कहाँ देते हैं, वो इधर चक्कर ही नहीं लगाते जी। हालांकि यहाँ लोग रहते हैं, आप देखें इसकी वीडियो बनाकर, जी जी सामने नजर आ रहे हैं आपको, ये सारे पीछे खड़े हैं, मोहल्लेदार हैं जी। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। तो ये जो मकसद ये तो नहीं होता कि हमें यहाँ भी यारों मददगार छोड़ के पता नहीं कहाँ चलेगा, कहाँ चलेगा, सही है। हमने खुद वोट दिए, 5 साल नून लीग की हुकूमत रही, अब ये दूसरी हुकूमत आई हुई है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है जी। आते हैं बस सियासी नारा लगाते हैं, ये कर देंगे, ये कर देंगे, बिजली का मसला वो नहीं हल होता, गटरों का मसला वो नहीं हल होता, पानी का मसला वो नहीं हल होता। हल होता क्या है यही बता दें कि वो क्या हल होता है, इनसे वही हम कर लेते हैं। बेशक ये मसला आपके सामने है, ये जी जी। आगे चले जाएं उधर पानी खड़ा हुआ है, लोगों के घरों को गिरने का खतरा, ये देखे सारे दीवारों के साथ लगा हुआ है, तो सामने मस्जिद है बिल्कुल, ये नमाजियों के लिए बहुत मसला बनता है, नमाजियों के लिए मसला है, आने जाने का मसला, जब बारिश होती है, बारिश होती है तो नमाजियों को आने का मसला, नमाज पढ़ने के लिए कैसे जाएंगे, पानी के अंदर से गुजर के जाएं, क्या करके जाएं। तो जैसे कि अब मॉनसून का मौसम शुरू हुआ है तो फिर डेंगू की वबा भी, ये बीमारियां फैल रही हैं, अभी आपके सामने है, ये पानी के अंदर से गुजर के जाना पड़ता है। अभी आप उधर सामने जाके रोड पे देखे, वहाँ पानी खड़ा हुआ, उसके अंदर से लोग गुजर के जा रहे हैं जी। ये हाल है, ये सूरत हाल है जी। तो नाज़रीन आपके सामने है, देख रहे हैं कि इलाके का मसाइल कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? जी मेरा तो ये ख्याल है, हम पहले राजा राणा अफजल साहब के पास गए 3-4 मरतबा, उसके बाद राजा रियाज के पास भी 5-6 मरतबा जा चुके से क्या है, लेकिन अब हमारा मसले का हल अभी तक नहीं हुआ जी। आप देख सकते हैं सर, 1 मरतबा 2 मरतबा 3 दफा हर दफ़ा गए हैं लेकिन हमारी बात ही नहीं सुनते, कह देते कर देते हैं लेकिन करते कोई नहीं है। फिर रब्ता किया जाता है तो वो फ़ोन ही उठाना गवारा नहीं करते, अगर आवाम वहाँ पहुँचती है उनके डेरों पर तो वो वहाँ मिलते नहीं हैं, अगर मिलते हैं तो फिर कह देते हैं कि ये हम कर देंगे, तो यहीं तक छोड़ देते हैं बस। ये आपके सामने है वो मेन रोड है, मेन रोड का भी रास्ता सारा ही खराब है। बुरा सीन होया पे, बच्चे अपने घर ने बंद किए पे, पूरे इलाके का सीवरेज डिस्टर्ब होया पे। इमरान खान साहब को राजा रियाज पीटीआई की तरफ से, तो वो भी ये मसला सॉल्व करने के लिए बाखबर नहीं है, उनको खबर है जी, उनको खबर है लेकिन कोई एक्शन नहीं। जी नाज़रीन ये आपके सामने है, गटर ओवरफिलिंग की वजह से ये रास्ता सारा ही बंद हुआ है, देख सकते हैं जैसा कि आपके सामने है, इधर को देख लें दोनों तरफ से ये रास्ता बंद पड़ा है। तो इसके मसले के लिए हम इधर एक कारी साहब से पूछते हैं कि ये कब से है। फिर क्या होता है कि पानी के अंदर से जी कपड़े ऊपर करके गुजरने, जैसे वो दरिया के अंदर से गुजर रहे हो, ये सूरत हाल होती है। अभी ये 3 दिन हो गए देख लें, अभी तक पानी आपको खुश्क नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ये जब बारिश होती है या पानी मोहल्ले का जब गटरों से निकलता है तो ये सूरत हाल है जी। अब आप ये बताएं कि हम जाएं तो जाएं किसके पास, कौन सी हुकूमत को आवाज़ माने, किसको आवाज़ दें कि हमारे यहाँ पर मसाइल हल, ठीक है। 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, यही सूरत हाल चल रही है। आगे से हमें ये जवाब मिलता है कि आपका टाउन रजिस्टर नहीं है, आपका वो वहाँ पर उन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया, तरह तरह की हमें बातें सुनाकर भेज दिया जाता है कि यहाँ पर कोई मसला नहीं, आपका टाउन रजिस्टर नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई तरक्या काम नहीं हो सकता, यहाँ पानी नहीं आ सकता, बिजली हुक्मे वाला को चाहिए क्या ना कि आवाम की आवाज़ के ऊपर एक्शन ले, ठीक है। गुलाम दस की नुमाइंदा फैसलाबाद गुलाम सुल्तान।